हेलो एवरीवन वेलकम बैक अगेन वंस अगेन आई एम हेय विद यू एंड टुडे वी वी आर कंटिन्यूइंग विद आर सेम चैप्टर दैट इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स इन आर प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड राउंडिंग ऑफ होल नंबर्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स तो जो स्टेप्स राउंडिंग ऑफ होल नंबर्स के लिए हम लोग करते हैं वही सेम स्टेप्स जो हैं हम राउंडिंग ऑफ डेसीमल नंबर्स के लिए करते हैं अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट uh, टाइम जब हमने राउंडिंग ऑफ होल नंबर्स किए थे तो हमने साथ में एक शॉर्ट पोईम भी डिस्कस की थी uh, जो आपको राउंडिंग में हेल्प करती है सो लेट अस रिवाइज दैट पोइम एंड देन वी विल स्टार्ट विद आर टॉपिक फाइंड योर प्लेस लुक एट द राइट फेस फाइव और मोर एंड वन मोर फोर और लेस लेट इट रेस्ट ऑल लेफ्ट डिजिट्स कीप दैम सेम ऑल राइट डिजिट्स जीरो देयर्स ने जीरो इज देअर नेम ओके सो दिस इज द पोइम और इसी पोइम में आपको राउंडिंग के सारे स्टेप्स मिल जाते हैं सारे रूल्स मिल जाते हैं सो लेटस्ट स्टार्ट विद द राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर सो इफ यू रिमेंबर आफ्टर डेसीमल वी हैव टेंथ प्लेस देन हंडर्ड प्लेस एंड लास्ट वन इज एंड द नेक्स्ट इज थाउजेंड प्लेस तो प्लेसेस का आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम तभी जो है राउंडिंग कर सकते हैं एंड वन मोर थिंग वी हैव डिवाइडेड द डिजिट इन टू ग्रुप इन ग्रुप वन वी हैव ग्रुप वन में हमारे पास कौन कौन सी डिजिट्स होती हैं जीरो वन टू थ्री एंड फोर और ग्रुप टू में हमारे पास कौन सी डिजिट्स होती हैं फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन और इसी के बेस पे हम लोग राउंडिंग करते हैं ओके लेट अस टेक अ नंबर सपोज वी हैव अ नंबर सेवेंटी टू पॉइंट फाइव एंड योर क्वेश्चन इज राउंड दिस नंबर टू नीरेस्ट वंस ओके आपको सेवेंटी टू पॉइंट फाइव को नीरेस्ट वंस के राउंडिंग करनी है ठीक है तो यू हैव टू राउंड नीरेस्ट वंस इट मीन्स आपको उस नंबर को अंडरलाइन करना है जिसका प्लेस क्या है वंस दैट इज फाइंड योर प्लेस सो आर प्लेस इज वंस नाउ द नेक्स्ट स्टेप कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट विच इज इमीजिएटली राइट टू द अंडरलाइन डिजिट एंड द नंबर इज फाइव यानी फाइंड योर प्लेस टू टू केट द राइट फेस राइट फेस इज फाइव ठीक है फाइव और मोर एड वन मोर अब फाइव है इट मीन्स वी हैव टू एड वन टू द अंडरलाइंड डिजिट अब अंडरलाइन डिजिट में क्या ऐड करेंगे हम वन ओके okay? अब इसके बाद ऑल लेफ्ट डिजिट्स कीप दम सेम अब लेफ्ट में क्या है सेवन तो उसको सेवन ही रहने दीजिए ओके okay? और अंडरलाइन डिजिट में तो वन प्लस करना था आ गया थ्री पॉइंट ऑल राइट डिजिट्स जीरोज देर नेम तो वन डिजिट इट मीन्स वन जीरो इट मीन जब हम सेवेंटी टू पॉइंट फाइव को नियरेस्ट वंस के राउंड करेंगे आर आंसर विल बी सेवेंटी थ्री पॉइंट जीरो लेट टेक वन मोर एग्जाम्पल सपोज वी हैव अ नंबर सेवेंटीन पॉइंट थ्री सो वी हैव टू राउंड दिस नंबर नाउ वंस अगेन वी हैव टू राउंड सेवेंटीन पॉइंट वन टू नियरेस्ट वंस सो अगेन वंस किसका प्लेस है सेवन का कंपेयर किसे करना है थ्री को नाउ थ्री बिलोंग्स टू द फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप अगर फर्स्ट ग्रुप में है इट मीन्स हम सेवन को एज इट इज रहने देंगे तो आर आंसर इज सेवनटीन पॉइंट थ्री सॉरी सेवनटीन पॉइंट ज़ीरो क्योंकि डेसिमल अंडरलाइन डिजिट के बाद हमारी बाकी की डिजिट्स राइट साइड की डिजिट्स क्या हो जाती हैं ज़ीरो हो जाती हैं लेटेस्ट एक वन मोर एग्जाम्पल ट्वेंटी इन पॉइंट सेवन ओके अब इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखेंगे ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन क्वेश्चन है राउंड ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन टू नियरेस्ट वन्स अब नियरेस्ट वन्स है इट मीन्स आप नाइन को अंडरलाइन करेंगे कंपेयर किसे करेंगे सेवन को अगर सेवन को हम कंपेयर करेंगे तो हमें नाइन में क्या करना पड़ेगा वन एड अब आप सोचोगे कि आप इसको कुछ ऐसे लिखोगे टू एज इट इज़ नाइन में वन प्लस कर दिया टेन और उसके आगे ज़ीरो टू हंड्रेड so, टेन सो आप ख़ुद सोचिए क्या ट्वेंटी नाइन टू हंड्रेड टेन के नियर हो सकता है नहीं ट्वेंटी नाइन किस नंबर के नियर होगा थर्टी के नियर इट मीन्स जब आपको वन ऐड करते हैं ना सपोज आप नाइन में वन ऐड कर रहे हैं ठीक है आप इस प्लेस में वन ऐड कर रहे हैं तो जैसे ही आपने नाइन में वन ऐड किया टेन आया तो टेन का वन कैरी कह कहाँ हो गया आगे शिफ्ट हो गया रिमेंबर हम डिजिट में नहीं हम प्लेस में वन ऐड करते हैं तो अगर प्लेस में वन ऐड होके टेन आ रहा है तो इट मीन्स जो नेक्स्ट कैरी है वो आगे को फॉरवर्ड हो जाएगी इट मीन्स नाइन में जैसे ही हमने वन ऐड किया टेन टेन की वन कैरी कहाँ चली गई यहाँ पे तो टू की जगह आ गया थ्री ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सो आर आंसर इज थर्टी पॉइंट ज़ीरो और वी कैन से दैट बेसिकली हम लेफ़्ट साइड का जो नंबर होता है उसमें वन ऐड करते हैं तो अगर हम ट्वेंटी नाइन में वन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा थर्टी अगर टू हंड्रेड नाइन्टी नाइन होता तो उसमें हम वन ऐड करते हैं ठीक है सो दिस इज़ द वे टू राउंड नंबर्स टू नियरेस्ट वन प्लेस नाउ लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड एटीन पॉइंट सेवन एट टू नियरेस्ट टेंथ प्लेस ओके सो यू हैव टू राउंड दिस नंबर टू द टेंथ प्लेस सो आप देखिए कौन से नंबर है जिसका प्लेस जो है वो टेंथ है डेसिमल के बाद होता है टेंथ प्लेस और उसके बाद होता है हंड्रेड प्लेस ओके तो आपने उसको अंडरलाइन कर लिया है ठीक है अब अंडरलाइन कर लिया है लगाइए सारे के सारे रूल्स किसे देखना है द डिजिट विच इज इमीजिएटली राइट और कौन है वो

फाइव ओके नाउ लेट अस राउंड दिस नंबर अब आपको किसको क्या क्वेश्चन है राउंड नाइनटीन पॉइंट राउंड ऑफ नाइनटीन पॉइंट नाइन फाइव टू नीरेस्ट टेंथ नीरेस्ट टेंथ है इट मीन्स आप किसको अंडरलाइन करोगे टेंथ प्लेस को कंपेयर किसे करेंगे फाइव को तो जैसे ही हमने फाइव को कंपेयर किया इट मीन्स वी हैव टू एड वन अब जब भी नाइन में वन ऐड करना है वी विल शिफ्ट द कैरी टू द नेक्स्ट प्लेस तो नाइन प्लस वन टेन आ जाएगा और टेन की कैरी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे। और फिर इसमें भी वो कैरी ऐड होगी नाइन प्लस वन टेन और कैरी कहाँ चली गई यहाँ पे तो अब यहाँ पे क्या बन गया टू नाइन प्लस वन टेन था ज़ीरो पॉइंट यहाँ पे ज़ीरो और ऑल राइट डिजिट्स जीरो तो आंसर इज ट्वेंटी पॉइंट जीरो जीरो और यू कैन से दैट यू कैन एड अगर आप विदाउट डेसिमल देखें तो वन हंड्रेड नाइन्टी नाइन में आप वन एड करेंगे तो क्या आएगा विदाउट डेसिमल टू हंड्रेड ओके सो दिस इज़ द वे टू राउंड ऑफ द नंबर्स टू नियरेस्ट टेंथ और हंड्रेड प्लेस सो एक एग्जाम्पल हम हंड्रेड प्लेस का भी ले लेते हैं सपोज आपके पास है नंबर सेवन पॉइंट एट थ्री फोर सो क्वेश्चन इज राउंड ऑफ सेवन पॉइंट एट थ्री फोर टू नीरेस्ट हंडर्ड प्लेस तो नीयरेस्ट हंडर्ड प्लेस पूछा है सो यू हैव टू अंडरलाइन द डिजिट विच इज इन हंडर्ड प्लेस टेंथ हंडर्ड तो किसको अंडरलाइन किया थ्री को नाउ वी हैव टू कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट विच इज़ फोर बिलोंग टू द फर्स्ट पीरियड इसका मतलब क्या हो गया थ्री में कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा ठीक है फोर और लेस लेट इट रेस्ट और लेफ्ट डिजिट्स कीप देम सेम तो सेवन पॉइंट एट थ्री एज इट इज ऑल राइट डिजिट्स जीरो नेम सो आर आंसर इज सेवन पॉइंट एट थ्री जीरो सो देखा आपने राउंडिंग जो है राउंडिंग ऑफ नंबर्स अब ये नंबर में भी डेसिमल नंबर और होल नंबर्स द स्टेप्स रिमेन सेम जो रूल्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे वो सभी के सभी जो हैं बिल्कुल सेम हैं तो आप आप उन रूल्स को एक बार अगर कर देते हैं और उस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी आप उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं तो आप किसी भी नंबर की जो है किसी भी प्लेस के अकॉर्डिंगली राउंडिंग कर सकते हैं सो वंस अगेन देर आर सो मैनी क्वेश्चन गिवन Uh, in your book, so you can take the help of your book, you can solve lots of uh, questions, and uh, you can improve your concept of rounding of numbers. So, do more and more practice till then. Thank you, and bye bye.